एक से नहीं, फोन है। ये कोई लड़का है जो आपसे शादी करना चाहता है, ये भी उसने थाने के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। ये देख लेटर आया है मेरे लिए, दो दो आए। और क्या चाहिए, ऐसी बेटियां किस्मत से मिलती हैं तो सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन उनका माँ जाती है ना, उसी को पता चलता है कि क्या गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नेहाशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी नवरात्रि चल रही है तो सभी के घर में पूजा पाठ चल रही होगी। नवरात्रि में कुल देवी को पूजा जाता है, तो किसी के यहाँ सप्तमी, किसी के यहाँ अष्टमी, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है अलग अलग दिन पर। और मेरी जो ससुराल की और मायके की कुल देवी हैं वो एक ही हैं, बीजासेन माता, और काफ़ी टाइम से उनके दर्शन भी नहीं हुए हैं। अब देखो माता का बुलावा कब आता है। जब तक उनका आदेश नहीं होता है ना, इंसान हिल भी नहीं सकता है कहीं पर। तो देखो उनका आदेश कब होता है, कब हम दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत सारी जगह दर्शन के लिए जाना है, पर जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होगी तब तक आप कहीं नहीं जा सकते हो। देखिए ये जो शबनम लेकर आई थी ना, उनको अलग से हमने एक कुर्सी दी हुई है, इसके लिए अलग से एक जगह चाहिए होती है। इतना बड़ा सा, पहले मैंने इसको बेड पर रखा हुआ था, फिर ताशी मेरे पास होती है ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो फिर इसको यहाँ रख दिया। बहुत खुशी होगी जब आप मुझे अपने परिवार से मिलवा देंगी, मिलवाएंगी। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2015 बीए से किया है, अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। कुछ जरूरी काम के कारण आने में समय लगेगा, पर मुझे खुशी होगी जब आप मुझसे बात करेंगी। मुझे आपके भाई और भाभी भी बहुत पसंद आए। भाभी जी ताशी को नाचना सिखाते देख, और आपके भाई को स्टेज पर ताशी संग नाचते हुए और खेलते हुए देख तीनों का साथ पसंद आया है, पर आपके भाई सबसे ज़्यादा पसंद आए। उन्हें मेरी ओर से नमस्कार करना। ताशी शब्द का मतलब क्या है मैं जानना चाहूँगा, ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल ही नया है। खुशी होगी अगर भाई भाभी भी बात करें। माता पिता जी को भी मेरा नमस्कार और चरण स्पर्श। 27 मार्च 2024 उसका नंबर। आपका आभारी 11/1/21/19/8। ये क्या था एल्बम में निवेदन है। आप लोग जब सब साथ हो तब को ही कॉल करें, तब संडे को ही कॉल करें। अगर नहीं उठा पाया तो मैसेज करना, मैं बता दूंगा कि कब बात हो पाएगी। टाइमिंग भी दिया है उसने। फोन है। ये कोई लड़का है जो आपसे शादी करना चाहता है, ये भी उसने थाने के माध्यम से आप तक पहुँचाया है। और एक और है जिसने शाहपुरा थाने के माध्यम से आपकी बुटीक, मतलब वो सॉरी आपके बुटीक पे पहुंचा है, थाने के माध्यम से नहीं, वो आपकी बुटीक के पते पे आया है। और इसने तो पूरा शब्द में लव लेटर ही लिख दिया मेरे नाम पर, और नंबर भी मेंशन है, टाइमिंग भी मेंशन है। और ये मुझे समझ में नहीं आया, आपका बारी 11/1/21/19/8/9/11 क्या था ये? कुछ हाँ नहीं, कुछ होगा उसका सेंस होता होगा कुछ। अब ये मुझे समझ में नहीं है, नहीं इस पे नाम नहीं है, ये आपसे बस शादी करना चाहता है, बीए प्राइवेट जॉब कर रहा है, और ये आपके फोन का इंतजार करेगा। और इसका टाइमिंग भी उसने दे रखा है, 1 से 4 से कॉल कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि नहीं? मैं तो कुछ हम भी सोच रहे जल्दी फाइनल ही कर लेते लेटर बाजी से, तो मैंने आज सुबह हाथों से खोल दिया आज ये लेटर। आज आप इतनी तैयार भाभी जी, क्या बात है? आज मैं क्यों तैयार हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं तैयार हूँ। वो इसलिए खुश है क्या? दीदी के रिश्ते आ रहे हैं, और क्या चाहिए जीवन में मम्मी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तथास्तु बेटा, तथास्तु। दुनियादारी की कुछ खबर है तेरे को कि नहीं है? ये देख लेटर आया है मेरे लिए, दो दो आए। कुछ खबर है इस घर की? बहन की कोई खबर है तेरे को? एक बुटीक पे आया, एक घर पे आया, थाने के माध्यम से आया। थाने के माध्यम से। तो आज हमारे यहाँ कोई आने वाला है जिससे हम आपको मिलवाएंगे थोड़ी देर में, बने रहिएगा हमारे पूरे व्लॉग से। कैसा रहा? आशिक।
एक मेरी ये वाली अलमारी है जिसमें मेरे कपड़े एकदम लबालब भरे हुए हैं। एक मैंने ये ली थी जिसमें मैं कोलाबेशन के कपड़े रखूँगी। तो पैकेट खुले भी नहीं है ये वाले, तो ये पूरा कोलाबरेशन का है। ये भी और ये पूरी ज्वेलरी है, वो नीचे भी रखे हुए हैं बॉक्सेस सब। मुझे तय बना के रखना है अच्छे से, क्योंकि अभी ताशी के बर्थडे के टाइम जितने भी पार्सल आए मैंने उनको ऐसे ही रख दिया, लहंगा वगैरह सब कुछ है। अभी नीतू दीदी के भाई की शादी भी है, उसके लिए मैं कुछ लाइट वेटेड ही सोच रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी तो सोचा सूट पहन लूँ। फिर ये जो साड़ी है सोचा इसको पहन लेती हूँ, ये भी लाइट वेटेड ही है, लाइट कलर है। जब मैं खुद की पसंद से पहनती हूँ तो मुझे लाइट कलर ही साड़ी पसंद आती है। नीतू दीदी आ गई, जैसा मैंने आपसे बोला था कि कोई आने वाला है तो दीदी आ चुकी। वैसे तो दीदी किसी और काम के लिए आई थी आज, पर जैसे ही फ़ोन उठाया और सृष्टि की हमने पोस्ट देखी, पहले तो भरोसा नहीं हुआ, फिर भैया को कॉल किया तो भैया ने बताया कि ये घटना कल हुई है। बहुत बहुत दुख हुआ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी तमन्ना उनके दिल में है वो किसी भी रूप में पूरी ज़रूर से हो, हम यही कामना करते हैं। और बस कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहने के लिए क्या ही बोले हम। भैया ने बोला भी कि अभी सब हम यहाँ देख रहे हैं, परेशान मत होना, लेकिन फिर भी जितना जो तकलीफ है ना, सर पे एक बड़े का साया, मतलब एक होता है ना बुजुर्ग घर में होना बहुत जरूरी, और माँ तो उनका दर्द तो सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन उनका दर्द जाती है ना उसी को पता चलता है कि क्या गया है। तो भगवान उनको ये दुख सहन करने की हिम्मत दे और जितना जल्दी भी पॉसिबल हो पाएगा हम, क्योंकि सुख में भले ही ना रहूं लेकिन दुख में होना चाहिए, जैसा भी होगा देखेंगे, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं इस मैटर पर कभी बोलती नहीं, पर अभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और बस कुछ बोल नहीं सकते अभी। There are also one time that I have been trying to come around and can I imagination relation with my emotions and feelings, but as human can go on to understand that, you know, I stop. I know it well, I don't understand, but was what's calling and suddenly it's out there. What will it be? पढ़ लिया पूरा। मन में क्यों बोल रही हूँ? किसी पथवार से पूछो, हमारा हौसला पूछो तो फिर मझदार से पूछो, शायर है रे भाई ये तो। अपन तो एक कल है ना, इसलिए ऐसा लगता है कि अपन दोनों सगे हैं और ये ऐसी लगती है। अपन दोनों सगे हैं और तुम बाहर कूड़े से लेके आए। हाँ, घोड़ा वाला कूड़े से। हाँ, दोनों करी सगे आते हैं ना। यार कूड़ा सही नहीं था, कोई छोड़ गया था स्टेशन पर। कुछ भी ऐसी तो नहीं है हमारी बेटी। हाँ, बेटी घर संभाल रही है ना, घर संभाल रही, पूरा घर संभाल रही है। क्या चाहिए, ऐसी बेटियां किस्मत से मिलती हैं। देखो आप रो क्यों रही है, इधर आके रोइए, पीछे पल्ला कर तू। मेरे बाल में ही आ जाएंगे चिंता नहीं। अभी तो बड़ी रो रहा, मैं रुक रुक कर रही थी, बोला चल जा चल जा। चलो